दोस्तों आज मैं इस वीडियो पर बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि कस्टम यूआरएल होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं youtube.com, उसके बाद प्लस, उसके बाद चैनल के बाद ये जो वर्ड शो हो रही है यही कस्टम यूआरएल होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है इसे हटा के आप अपने मर्जी से कोई भी एक वर्ड को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि कस्टम यूआरएल को कैसे बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका बेनिफिट बताऊंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। यदि आप अपने चैनल के साथ जोड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके साथ ही में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आने पर आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना YouTube चैनल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो चैनल लिंक है, यदि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं www.youtube.com/channel/, उसके बाद ये जो वर्ड्स है, यदि मैं जो वर्ड्स है यदि मैं इसे हटा के टेक्निकल टॉप सपोर्ट डालता हूँ तो मेरा ही चैनल ओपन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी डालूंगा टेक्निकल टॉप सपोर्ट, उसके बाद मैं सर्च पर क्लिक कर दूँ, आप देख लीजिए मेरा जो मेन चैनल है जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वही चैनल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो दोस्तों यदि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक कस्टम URL सेट करना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहे। तो इसके लिए आप अपने चैनल के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएटेड स्टूडियो, तो आपको बस क्रिएटेड स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो अभी आपको क्या करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चैनल, तो आपको बस चैनल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे चैनल पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम URL, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसे इनेबल करने का ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बस इनेबल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम URL, मतलब मैं अपने चैनल के लिए एक कस्टम URL सेट कर सकता हूँ। दोस्तों आप अपने चैनल के लिए कस्टम URL तभी सेट कर पाएंगे जब आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। तो आपको बस यहाँ पे क्लेम इट हियर पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट ए कस्टम URL, और नीचे आप देख सकते हैं इस चैनल के नाम से कस्टम URL सेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके YouTube चैनल का जो भी नाम आपने रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपने चैनल के नाम से यहाँ पे URL सेट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे टिक मार करके आप अपने हिसाब से कोई भी एक URL डाल सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने चैनल के नाम से ही URL सेट करें। तो आपको बस यहाँ पे टिक मार कर देना है। तो आप टिक मार करने के बाद दोस्तों आपको बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल URL सेट हो चुका है, तो आपका भी हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपली से आपको कन्फर्म कर देना है। तो आप जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हैं आपका चैनल URL बन जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कस्टम URL सेट हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चैनल लिंक पे क्लिक करके इसे पूरा का पूरा हटा दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगा लाभ इफेक्ट। तो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं जैसे ही सर्च पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरा ही चैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आप इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने चैनल के लिए एक कस्टम URL बना लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप जान गए हैं कि कस्टम URL को कैसे बनाया जाता है। तो अभी आप इसका बेनिफिट जान लीजिए। दोस्तों इससे होता क्या है कि आप जब भी किसी को अपने चैनल लिंक सेंड करेंगे तो ऐसे में आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आप सिंपल से टाइप करेंगे youtube.com/, उसके बाद channel/, उसके बाद आप जो वर्ड्स को सेट करेंगे उसे डालने के बाद सेंड कर देंगे और वो बंदा उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका ही चैनल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो नीचे लाल रंग को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से टेक्स्ट रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।